पर बेगाने को कर ले जो अपनों मधुर बानी हमेशा ही बोलो अपने अंदर ही खुद झोंक कर हम गलतियां शांति। 14वीं सदी में कश्मीर की भूमि पर एक बहुत बड़ी महिला संत कभी हुई थी, जिसका नाम था लल्लेश्वरी, जिसको मुस्लिम लोग भी बहुत मानते हैं। लल्ला आरिफा कहते हैं मुस्लिम, और हिंदू लाल देद। जितनी कहावतें हैं कश्मीरी भाषा की, उसमें 30% से भी ज्यादा बातें जो लल्लेश्वरी ने कही थी उसकी है, जिसको वाक कहा जाता है, उसके लिखे हुए शब्द, दोहे कहो या कहावतें कहो। उसके जीवन में वर्णन है कि जब वो 14 साल की थी तब उसकी शादी हो गई, और पति और सास की तरफ से बहुत ही दुर्व्यवहार का उसे सामना करना पड़ा। जब वो 26 वर्ष की थी, उस पर बहुत कलंक लगाए, बदकिरदार होने के, अपमानित किया, तब उसने सोचा कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, और उसने उस घर को छोड़ दिया। और वो बचपन से ही भक्त थी शिव की, और तब से वो शिव का गुणगान करते हुए गलियों में घूमने लगी, फिरने लगी, और दिखाया है निर्वस्त्र ही घूमती थी, जैसे जैसी उसकी अशरीरी अवस्था बढ़ती जा रही थी। उसके जीवन काल में उल्लेख है कि उसका एक भक्त था दुकानदार, उसने उसको कहा कि तुम क्यों ऐसी मारी मारी फिरती हो, यहां से दूर क्यों नहीं चली जाती किसी गुफा में, यहां लोग तुझे कितना अपमानित करते हैं। तो वो कहती है उस दुकानदार से, जो कि उसका भक्त होता है, मुझे दो कपड़े दो टुकड़े। एक कपड़ा वो अपने इस कंधे पर रखती है, एक कपड़ा इधर, और वो कहती है मैं शाम को मिलूंगी। वो निकल जाती है, जब जब लोग उसे गालियां देते हैं वो एक एक गांठ इधर वाले कपड़े में बांधती है। जब जब उसकी स्तुति होती है, कोई महिमा भी करते हैं उसकी, तब गांठ इधर बांधती है, गांठ बांधने लगती है एक एक। शाम को आती है तो जो इस ओर का कपड़ा होता है उसमें बहुत सारी गांठें, क्योंकि निंदा करने वालों की कमी नहीं है, तारीफ करने वाले कोटों में कोई बहुत कम, इधर वाले कपड़े में बहुत कम गांठें हैं। वो उस भक्त दुकानदार के पास आती है, कहती है ये देखो दो कपड़े, इसमें बहुत सारी गांठें हैं, इसमें कम गांठें, अब इनका वजन करो। तो वो वजन करता है, पर वजन तो सेम है, इसका भी उतना ही है, उसका भी उतना ही है। तो वो कहती है कि ये जो निंदा है और ये जो स्तुति है, ये केवल बाहरी आवरण है, ये केवल गांठ है, सतही है, सुपरफिशियल है, आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, इनका कोई प्रभाव उस आत्मा पर नहीं है, इसके लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे निंदा कर रहे हैं या स्तुति कर रहे हैं। इस अवस्था को गीता में क्या कहा गया है? स्थित प्रज्ञ योगी
कल की साकार मुरली थी। कोई छी छी बोले तो सुना अनसुना कर दो। ऊंच पद पाना है तो क्या मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय तुम्हें सब कुछ सहन करना पड़ेगा। गीता में श्लोक है दूसरा अध्याय 54 से लेके तो 61 तक। अर्जुन पूछता है हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाला व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह से बैठता है और चलता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव कैसे बोलता है कैसे बैठता है क्या करता है क्या खाता है। श्री भगवान उवाच हे पार्थ जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है अर्थात स्थित प्रज्ञ योगी कहा जाता है, जो त्रय तीन तापों से होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना शुभ की प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग में भले ही निवृत्त हो जाए पर उनमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह प्रेम भक्ति में स्थिर हो जाता है। हे अर्जुन इंद्रिया इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि जो उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर है समान है एकाग्र है वो स्थिर बुद्धि है। भक्त भगवान से वरदान मांग रहा है ऐसा वरदान दे दो हमें मां सुख में उछले ना हम दुख में डोले। सुख आ जाए तो बहुत ज्यादा खुशी दुख आ जाए तो बहुत ज्यादा दुख। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले ऐसा वरदान हमें दे दो मां ऐसा वरदान दे दो कि जिसमें हम स्थिर रहे सुख में एकदम उछलना ना चालू करे और दुख में डूब ना जाए ऐसी मन की अवस्था स्थिर अवस्था एकाग्र अवस्था इसे गीता में कहा है स्थित प्रज्ञ योगी जो कल की मुरली में बाबा ने कहा था। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे स्थित प्रज्ञ योगी कौन है स्थित प्रज्ञ योगी कैसा है किन परिस्थितियों में वो समान रहता है। कम से कम ऐसी 10 बातें जिनके आने पर वो अंदर से नहीं हिलता और सांसारिक व्यक्ति साधारण व्यक्ति हिल जाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने उस पंडित का उदाहरण दिया है जो दूसरों को कहता था क्या राम का नाम लो तो तर जाओगे पर खुद ही चटकाते में चला गया। जो दूसरों को कहते हैं निर्विकारी बनो और खुद तो विकार में जाते हैं उनका क्या असर पड़ेगा। माया बड़ी जबरदस्त है
गिरा और मरा। सबसे पहला सुख और दुख, सुख भी आएंगे दुख भी आएंगे। हमारे हाथ में बाहर की परिस्थितियां नहीं है, वो पर है, हमारे हाथ में स्व है। हिसाब किताब अनुसार सुख दुख आएंगे जीवन में, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। पर योगी अर्थात स्थितप्रज्ञ योगी अर्थात जो दुख में दुखी नहीं होता है और सुख में अति हर्षित नहीं हो जाता है, उछलने नहीं लगता है, और यदि कोई सुख में बहुत ज्यादा खुश होता है तो उसे दुख में दुखी भी उतना ही होना पड़ेगा। परीक्षा दुख की कम सुख की ज्यादा है। परीक्षा ज्यादा किसकी है? सुख की। सब कुछ अच्छा होने लगा तो क्या लगता है व्यक्ति को? बहुत खुशी होती है, सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा मैं चाहता हूं, मेरे अनुसार सब कुछ हो रहा है। बस वही वो फंसता है, और फिर जब दुख होता है तो फिर दुखी हो जाता है। स्थितप्रज्ञ योगी अर्थात चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दोनों में समान। उसके पास ऐसे कुछ पॉइंट्स रहने चाहिए फिर, जैसे कि कुछ पावरफुल शक्तिशाली पॉइंट्स उसको अपने अंदर रखने पड़ेंगे, कुछ ऐसी धारणाएं जो उसको दुख में डिगा ना दे और सुख में कहां के कहां ना पहुंचा दे। सातवें आसमान से सीधा 21वें आसमान में पहुंच जाता है, डोलने लगता है, वाह 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 वाह, और फिर धड़ाम से गिरता है। दूसरा, मान और अपमान। इस संसार में मान भी मिलेगा तो अपमान भी मिलेगा। जिसको मान मिलने पर बहुत ज्यादा खुशी होती है, अभिमान आता है, अपमान होने पर उतना ही दर्द भी होगा। योगी की तो पहचान ही है मान और अपमान में स्थिर रहना। ज्यादा परीक्षा किसकी है? मान की कि अपमान की? मान की। मान मिलने पर क्या होता है? अंदर ही अंदर लड्डू फूटते हैं, मान गुदगुदी होती है। मान सुनने की अभिलाषा किसको नहीं है? कोई मान करे, मान दे बहुत ज्यादा। दो लोग खड़े हैं, एक और एक, इधर जो मान देने वाला है वो है, इधर अपमान करने वाला है, किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? अपमान वाले के पास कौन जाके बैठेगा? पता नहीं क्या बोल दे। एक आश्रम में एक गुरु के बहुत शिष्य थे, पर एक शिष्य ऐसा था कि जो सबके बीच में गुरु का ही अपमान कर देता था, और अपमान की भावना से नहीं, पर उसके अपने विचार होते थे, उसके हर चीज में विरोधी पक्ष होता था। जो गुरु कहता था उसके विरोध में तर्क देता था हमेशा, और बाकी विद्यार्थियों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको लगता था ये गुरु का अपमान करता है, होंगे इसके अपने विचार, पर चुप बैठना चाहिए, पर वो चुप नहीं था, कोई भी बात नहीं मानता था, हर बात का विरोध करता था, हर बात का। एक दिन वो बीमार पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सब लोग अंदर ही अंदर खुश होते हैं, पर गुरु उदास है आज। विद्यार्थी कहते हैं आपको भी तो ठीक, आप क्यों उदास है? वो कहता है वो नहीं रहा ना, अब मेरा तो क्रिटिक ही नहीं है, मेरा कोई निंदक ही नहीं है, मेरा कोई विरोधी ही नहीं है, क्योंकि वो अकेला ही तो था जिससे मैं सीखता था, या मैं अपने आप को सोचने में मजबूर हो जाता था, ये जो मैंने कहा ये सही है ये गलत है, बाकी लोग तो मान लेते थे, अब मुझे कौन सिखाएगा, इसलिए मैं दुखी हूं। स्तुति मान देने वाले से क्या सीखते हैं हम?
बहुत कम चीजें सीखते हैं। ज्यादा किससे सीखते हैं? जो अपमान करता है। आज की मुरली में अगर किसी को दुख दिया तो अंत में वही याद आएगा। यदि हमने किसी को दुख दिया तो हमारे अंत समय हमें वो याद आएगा कि मैंने उसको दुख दिया था। आज की मुरली, तुम्हें बहुत रॉयल बनना है, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, तुम्हें कम बोलना है, तुम्हें मूवी में रहना है, टॉकीज में नहीं आना है, जैसे मीठा बोलना है, सूक्ष्म वतनवासी भव। आज की साकार मुरली। योगी अर्थात जो मान और अपमान दोनों को पचा ले। कोई अपमान भी करे तो उसको बहुत ज्यादा दिल पर न रखे, वो बात मन मैला ना कर ले उस व्यक्ति के लिए। बोलने वाले ने बोल दिया, हमें खाली उसमें से सीखना है। अगर उसने सही बोला है तो अपने आप को ठीक करना है, अगर उसने गलत बोला है तो डोंट केयर, छोड़ दो उसको। विरोध करने की भी आवश्यकता नहीं, चुप। हर अपमान का एक ही उत्तर है, मौन। तीसरा, निंदा और स्तुति। एक निंदा करता है, दूसरा प्रशंसा करता है, महिमा करता है। सीखते हम किससे ज्यादा है, निंदा वाले से या स्तुति वाले से? स्तुति करता है, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आपको देख के तो लगता है आप योगी हो, आप बोलते अच्छे हो, इससे क्या सीखेंगे? कोई कहता है तुम बोलते तो हो पर तुम्हारी धारणा में थोड़ा गड़बड़ है, हमने सुना है तुम्हारा किसी में मोह है। कोई ऐसा आके बोल दे तो हमने तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे सुना है। कोई ऐसा थोड़ी ना कहता है मुझे लगता है, लगता उसको ही है, पर बोलते है कैसे है दूसरे कहते हैं, कौन कहता है वो नहीं बताएंगे, क्योंकि ये खुद के विचार है। पर बता कैसे रहे, हमने सुना है लोग ऐसा कहते हैं, विधि हाँ बाहर चर्चा चल रही है, किसने कहा वो नहीं बताएंगे। वो एक्चुअली कहा किसी ने नहीं, खुद ही ने तैयार की है ये निबंध, खुद ही ने तैयार किया है, रटा है और अभी विधि पूर्वक सुनाया जा रहा है, ताकि हमारे पर कोई लांछन ना है, हमारा संबंध तुमसे ठीक रहे। मैं तो तुम्हारा हितेशी हूं, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं कि तुम सुधर जाओ। निंदा और स्तुति, जैसे वो लल्ला देवी के लिए कहा दो कपड़े दोनों गांठे, सेम है वजन तो दोनों का सेम है, इसलिए उसने कहा ये जो है ये केवल बाहर की चीज है, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने शिव की गुणगान करती घूमती रहती थी कश्मीर की उस भूमि पर, कश्मीर की संस्कृति। वो समय था जबकि इस्लाम का शासन भारत में आ रहा था, कन्वर्ट्स हो रहे थे वहां पर। उस समय हिंदू धर्म की पुरोधा, हिंदू धर्म को जिसने ऊंचाई पर लेके गई उस भूमि पर, वो लल्लेश्वरी थी। तो निंदा या स्तुति, अगर निंदा हो तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन। निंदा हमें अंतर्मुखी बनाती है, स्तुति हमें बाह्यमुखी बना देती है। स्तुति बाह्यमुखी बनाती है। या स्तुति करने के बाद कोई एकांत में जाके बैठता है क्या, सोचता है क्या? नहीं, उसको और बाह्यमुखता आती है, और ज्यादा बोलने की इच्छा होती है। पर निंदा होने के बाद किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होती, बिल्कुल लाइब्रेरी में जाके बंद। चुप, किससे बात करने की इच्छा नहीं होती। हम तो सोचते थे ये लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं ये लोग, हमने तो सोचा था इनके बहुत अच्छे मत है हमारे बारे में, पर इनके ओपिनियन देख के तो हम शॉक हो गए, ऐसा ऐसा कहते हैं। हमने तो बहुत पालना दी थी इनको, बहुत इनकी महिमा की थी, और ये हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। कैसा होता है ये सुनने के बाद, अच्छा लगता है?
कि दुखी हो जाते, पर योगी अर्थात ना उसे निंदा से प्रभावित होता है ना ही स्तुति से। सबसे ज्यादा पुरुषार्थ तो स्तुति का है, स्तुति में जो स्थिर रह जाए वो योगी है। स्तुति आ रही है, स्तुति जा रही है, वो अस्पर्शित है, इंटैक्ट, अनटच्ड, दूर आई और गई, जैसे हमारी थी ही नहीं। अगर अपना समझ लिया तो हमारी स्थिति उस गधे की जैसी है जिसके बारे में परसों बताया था। गधा क्या सोच रहा है कि वाह मेरी इतनी महिमा, ये है सच्चे लोग, सॉल्ट ऑफ द अर्थ, दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग जिन्होंने ये जाना कि मैं कौन हूं। चौथा, जय पराजय। जय हो जाए, सक्सेस मिल जाए, सेवा में सफलता मिल जाए, सभी को अच्छा लगता है, सेलिब्रेशन करते हैं। सेवा की बहुत अच्छी सेवा हो गई, प्रोग्राम किया बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, असफलता हो गई, कोई भी नहीं आया प्रोग्राम में, लाखों खर्च किए और एक भी नहीं आई आत्मा, इसका क्या करते हैं? दोष, ब्लेम गेम। इसमें क्या किया जाता है? ब्लेम गेम। तुम्हारी वजह से हुआ, पहले ही तुमको कहा था वहां नहीं करेंगे प्रोग्राम, फिर भी तुम मानते नहीं। पहले ही कहा था कि इसको नहीं बुलाना है, फिर भी बुलाया उसको और वो टाइम पे नहीं आया, फ्लॉप हो गया ना प्रोग्राम। असफलता जब होती है तो व्यक्ति क्या करता है? ब्लेम कल्चर, ब्लेम गेम, दोषारोपण करता है, छिद्रान्वेषण, फॉल्ट फाइंडिंग, नुक्ताचीनी। योगी अर्थात जय हो, बहुत अच्छा, सक्सेस मिल जाए बहुत अच्छा, सेवा की बहुत सक्सेस मिल गई, वो चंद्रगुप्त का दिखाया है, विजय यात्रा में चंद्रगुप्त जाता है और वो इनाम लेकर आता है वहां से, वो तलवार, वो कवच, जिसे पहन के चाणक्य उसको कहता है अगर तुमने ये पा लिया तो तुमको कोई भी हरा नहीं सकेगा, और वो बहुत मुश्किल से विजय यात्रा में जाता है और लेकर भी आता है, और आने के बाद सारे जश्न मनाते हैं। चाणक्य उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है समारोह। वो कहता है ये छोड़ो, इसका कुछ फायदा नहीं है, अब आगे का सोचो। वो कहता है आप ही ने तो कहा था वो कवच से मैं विजयी बन जाऊंगा। वो कहता है कवच से कभी कोई विजयी बन सकता है क्या? ऐसा कोई कवच है ही नहीं। तो सारी मेहनत गई, सच्ची मेहनत वो नहीं थी, सच्ची मेहनत तुम्हारा पुरुषार्थ था, जो पाने के लिए तुमने जो कुछ किया, जो जोखिम ली, जो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर नए कंफर्ट जोन इंस्टॉल करने किए। हर व्यक्ति कंफर्ट जोन में जीता है, यहां पर ये मैं हूं, ये मेरा जीवन है, इसके बाहर वो जाना नहीं चाहता। लाइफ मींस टू इंस्टॉल न्यू कंफर्ट जोन, अब यहां रहकर जीना है, जो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है वहां भी रहकर जीना सीखना है। एक पश्चिम के विचारक ने कहा है अगर तुमको जीना है लिव डेंजरसली, जोखिम में जियो, खतरे में जीना है हर पल, आराम से नहीं जीना है, सब कुछ ठीक चल रहा है मेरा तो, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, इसको कंफर्ट जोन में जीना कहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जीना है डेंजरसली। हम जब बहुत सालों पहले, एक डॉक्टर थे यंग, वो अपनी ड्यूटी करके आने का कहते थे हाँ आज मेरी ड्यूटी सब ठीक हुआ, कोई गड़बड़ नहीं हुई, एकदम खुश होते थे। उसको डर हमेशा रहता था कुछ गड़बड़ ना हो जाए, छह घंटे जो आठ घंटे ड्यूटी उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस, बाकी हो जाए तो मुझे कोई लेना देना नहीं, बस उतने ही कंफर्ट जोन में जीना है, दैट्स इट। जीवन अर्थात जोखिम, जीवन अर्थात अनसर्टेनिटी, जीवन अर्थात खतरा। पांचवा, हानि लाभ, हानि और लाभ। कभी हानि होगी, कभी लाभ होगा, कभी बहुत नुकसान हो जाएगा लाखों का, कभी लाख मिल जाएंगे, इन हाथों में हजारों आए, करोड़ों आए और करोड़ों चले जाए।
अप्रभावित। बहुत जैसे बैंक का मैनेजर, बैंक का क्लर्क, कोई 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना है तो खुशी होती है कि उसको, अरे वाह 1 लाख, और फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा आ जाएगा 5 लाख विड्रॉ, तो दुखी होता है, अरे बैंक से 5 लाख जा रहे। उसको पता है ना तो देने वाले के पैसे मेरे, ना तो जो जा रहा है वो मेरे, मेरी अपनी सैलरी मुझे मिलेगी महीने के बाद, मेरा वेतन मिलेगा। वैसे यहां पर भी है, हाँ तब दुखी होगी, दुख होगा उसको, पर उसकी जो स्थिति है ट्रस्टी की, वस्तुओं को ज्यादा महत्व नहीं देना है, वस्तुएं आएंगी वस्तुएं जाएंगी, ये वस्तु कहां गई वो वस्तु कहां गई, ये किसने ली वो किसने ली, ये वस्तु खो गई वो वस्तु खो गई, खो गई खो गई, अब क्या कर सकते हैं, गई तो गई, आगे के लिए सावधान, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया। दुखी है, जब भी मिलते हैं वही चर्चा। वो कोई भाई था, नकी में मोबाइल गिर गया क्या करे, उसी में दुखी है कब से, नकी में गया तो ऐसे ऐसे सेल्फी ऐसे ऐसे करते 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 पीछे और गया पानी में। बोले दूसरे आए थे इधर अनादरा में, वो टूरिस्ट आए थे तो वहां मोबाइल कर रहे थे और रखा, बंदर आया मोबाइल ही लेके चला गया, अब क्या करे दुखी है, बंदर दे दो, बंदर को थोड़ी ना मांगेंगे, वो देगा क्या इतना आसान नहीं है वो उन्होंने भी अपने दादा परदादों से सीखा है, वापस नहीं देते हो गया तो गया, चीजें जाएगी चीजें आएगी, वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, वस्तुओं से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। बच्चे ने, छोटा बच्चा है, जैसे इसके पहले भी सुनाया था, एक पिताजी थे, उसने एकदम नई कार ली, ब्रांड न्यू कार, बहुत महंगी कार, और एक बार देखा उसका 5 साल का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा बच्ची, वो पेंसिल से या कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से उस पर कुछ लिख रही है, खरोच रही है वो कार को, वो आता है देखता है, ये क्या कर दिया तुमने, कल ही तो खरीदी कार, और एक पत्थर रहता है सीधा उसकी उंगली पर मार देता है, पूरे सारी उंगलियों पर, फिर उसको जब खून बहने लगता है तो एकदम पिता का हृदय जागृत होता है, फटाफट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं, पता चलता है बहुत बुरी तरह से मारा गया है, पूरी हाथ काटना पड़ेगा, और पूरा हाथ काट जाता है, काटते हैं। बाद में वो बच्ची पूछती है, पापा मेरी उंगलियां कब आएगी वापस, और वो घर जाकर देखता है वो क्या लिख रही थी, तो उसने लिखा था आई लव यू डैडी उस कार पर। कार से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण है, कार तो चली जाएगी, पैसे तो चले जाएंगे, व्यक्ति नहीं आएगा वापस, वस्तुएं चली जाएगी, नुकसान होगा, कोई जानबूझ के नुकसान नहीं करता है, उसको डांट कर किसी से गलती हो गई, उसके वजह से चोरी हो गई, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, बिजनेस पार्टनर ने ऐसी कोई गलती कर दी, वो पैसा तो आ जाएगा, वो जो पार्टनर है वो कहां से आएगा, फिर से नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे थे जय और पराजय, हानि और लाभ, हानि लाभ होते रहेगा यहां पर योगी, क्योंकि ये तो स्थूल चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वस्तुओं से, हम यहां वस्तुओं के लिए नहीं है, इसकी कीमत क्या है उसकी कीमत क्या है, ये कितने का है वो कितने का है, किसी किसी की आदत है हर चीज नई देखी, ये शॉल कितने की है, अच्छी दिख रही है, कहां से ली, पेन कहां से लिया, तो हर चीज की कीमत, प्राइस टैग, ये है देहभान। उसके बाद में छठवा, ठंडी गर्मी, ठंडी और गर्मी, ठंडी गर्मी बारिश, वस्तु वस्तु वस्तु,
ठंडी और गर्मी, ठंडी गर्मी और बारिश, ये तीन है मौसम। ये अपनी जगह पर, पुरुषार्थ अपनी जगह पर, समान लेना है मैं आत्मा अलिप्त हूं, ये तीन जो है ना मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। ठंड बहुत है, मेरे से तो उठना नहीं होता। गर्मी, इतनी गर्मी में पसीना, एसी लगाओ, एसी में बैठ के तो कोई भी योग कर सकता है आराम से, एसी योग। बारिश, इतनी बारिश हो रही है, कैसे जाए बाबा के कमरे में, कमरे में बैठ के योग करेंगे। बारिश में ओवरऑल देखा गया लोगों का पुरुषार्थ कम हो जाता है, बहुत सारी चीजें जो रूटीन में की जाती है बारिश में कम हो जाती है, पुरुषार्थ कम हो जाता है अपने आप। पर ये तो चीजें प्रकृति की चीजें हैं, बाहर की चीजें हैं, इससे पुरुषार्थ का क्या लेना देना। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अपनी जगह पर, स्थितप्रज्ञ योगी अर्थात ठंडी गर्मी ये सबसे अप्रभावित। प्रकृति जीत हमारा टाइटल है, प्रकृति की कोई हलचल हमें हलचल में नहीं ला सकती। तो छठवा ठंडी और गर्मी, सातवा सहयोग असहयोग, सहयोग असहयोग। आज आत्मा है सारी सहयोगी है, अचानक सारे असहयोगी हो गए, सारे विरोधी हो गए, पता नहीं क्या हो गया सबको। सोच रहे बाबा के कमरे, बाबा इनको सहयोगी बनाओ वापस, कुछ करो इनकी बुद्धि को। सहयोग मिले या असहयोग मिले, सूफी फकीर सामने जाके खड़े रहते, कोई दे तो ठीक, कोई ना दे तो भी ठीक, आगे बढ़ जाते। उसको बद्दुआएं नहीं देते बैठते, तुम्हारे पास इतना है फिर भी तुम देते नहीं, ये देखो मेरे को किसने क्या कह दिया, जो कितना गरीब था उसने दिया तुम नहीं देते। वो बुद्ध के जो भिक्षुक थे उनका नियम था बस तीन बार खड़े रहना, तीन बार भिक्षाम दे, नहीं दिया तो आगे बढ़ जाना, पांच घरों में जाना है बस, कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो छोड़ दो, भूखे रहो उस दिन। आत्माएं सहयोग दे रही है, धन्यवाद दो उनका, अच्छा है सहयोग दे रही है, नहीं दे रही है तो ज्यादा धन्यवाद। पुरुषार्थ में सहयोग दे रही है, घर वाले सहयोग दे रहे तो बहुत धन्यवाद, नहीं दे रहे तो डबल धन्यवाद कि तुम्हारी वजह से हमारी लगन बढ़ रही है, नहीं तो धन्य है वो, कहां वो आजकल बांधे लिया है, सबके सहयोगी है, इसमें क्या है, इसमें कोई मजा है, सबके सब सहयोगी, विरोध ही है। घर वाले कहते हैं बिल्कुल सेंटर नहीं जाना, हाथ से सेंटर जाना बंद, वो बहन से बिल्कुल बात मत करना, ब्रह्मा कुमारी जो चीज नहीं कही जाती है वो और करने की इच्छा होती है। पूरा परिवार के परिवार ज्ञान में चल रहा है, इच्छा ही नहीं होती, ढीले ढाले चल रहे, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे, पूरा परिवार विरोधी है, कैसे जाऊं कैसे जाऊं, सोच प्लानिंग बनाती रहती है आत्मा, कैसे जाके मिलूं, चुपके से खत लिखती है बाबा को, सारे सहयोगी कहां खत लिखते बाबा को, यहां कुछ और करने की इच्छा होती है, क्या जाए वही वही तो मुरली है, कुछ और है तो बताओ, एंटरटेनिंग। तो चाहे सहयोग दे आत्मा या असहयोग दे, समान, यही तपस्या है, यही स्थित प्रज्ञ योगी की अवस्था है। उसके बाद में आठवा, मोहब्बत नफरत। लोग बहुत प्यार देते हैं, लोग घृणा करते हैं, सत्य के मार्ग में सब प्यार करेंगे जरूरी नहीं है, सत्य की डगर में नफरत करने वाले ज्यादा मिलते हैं, सच की डगर में नफरत करने वालों के अंबार लगे हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता। पुरुषार्थ की डगर में भी जो बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उनको रोकने वालों की कमी नहीं है। सेवा छोड़ के ये क्या कर रहे हो, यहां सेवा करने आए थे या तपस्या,
मोहब्बत भी करने वाले कम है, नफरत करने वाले ज्यादा है। सीखता आदमी किससे ज्यादा है? नफरत करने वालों से। क्यों? हमें पता तो चले इतनी उनके अंदर नफरत क्यों है हमारे लिए। ऐसा हम में क्या है आखिर कि जो इतनी घृणा भरी है, इतना विरोध उनके मन में है, इतनी नफरत करते हमसे। हम भी तो जाने, पर वो बताते नहीं, वही बात है बस, बिना बताए नफरत करते। शायद उनको डर है, तो चाहे नफरत मिले या प्यार। प्रॉब्लम ज्यादा कहां पर है, प्यार में या नफरत में? प्यार वालों से, क्योंकि प्यार वालों के साथ मोह हो जाता है, बाद में धोखा दिया तो ज्यादा दुख होता है। नफरत वालों से तो कुछ है ही नहीं, डिटैचमेंट है नफरत में एक प्रकार की, प्यार में मोह है। मोह ज्यादा दुखी करता है। अच्छा है, दो पति पत्नी है, झगड़ा हो गया, सोचते अब अलग हो जाओ, अलग हो गए, खत्म, प्रॉब्लम ही सॉल्व। फिर पति पत्नी है, वो कहता है हाँ तुम ना पढ़ने के लिए जाओ उधर, तुमको पढ़ना चाहिए, और दोनों मिस करते हैं एक दूसरे को। ये अवस्था अच्छी है या वो वाली अवस्था अच्छी है जिसमें बिल्कुल खलास, नो तालुक, संबंध ही खत्म, और ये वाले में मिस कर रहे, लेटर लिख रहे, खत लिख रहे, आई मिस यू, वो कहती है आई मिस यू, तुम कहां हो, मैं यहां हूं, कब मिले, मैं आ रही हूं संडे, वहां मिलते हैं, वहां मिलते हैं, निरंतर कशिश, निरंतर आकर्षण, यहां पे खलास। दोनों समान। तो जो प्यार करने वाले ठीक है, प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो जरूरी नहीं उनमें फंसना है। प्यार करने वालों में ज्यादा धोखा तो प्यार करने वालों में, नफरत करने वालों में तो फंसने का जरूर कोई काम ही नहीं, वो नफरत ही करते, क्या करें। बात करने जाओ जब भी तो जितना पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी उससे ज्यादा डबल बढ़ गई। सोचते हैं चलो अब दोनों थोड़ा सुलह कर ले बैठ के, सुलह करने का एक घंटा चर्चा के बाद पता चलता है जो पहले झगड़ा था वो अभी डबल हो गया। अच्छा होता नहीं बैठे होते, तो इससे हम ज्यादा सीखते हैं। उसके बाद में नौवा, प्रतिकूल अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति है, सब विरोधी हो रहा है, सब गलत हो रहा है। इंग्लिश में कहते हैं एवरीथिंग रनिंग अगेंस्ट द ग्रेन विथ मी, सब कुछ मेरे विरुद्ध चल रहा है, कुछ भी मन चाहा कुछ भी नहीं है। अनुकूल परिस्थिति अर्थात जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसा मिल गया, एकदम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो प्रतिकूल अनुकूल, फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस। व्यक्ति कहां ज्यादा सीखता है? अनफेवरेबल में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में। कमल कहां खिलता है? स्वच्छ पानी में खिलता है क्या? कीचड़ में। जितने सम्राट हुए हैं संसार में, एक एक का जीवन यदि स्टडी करो, इतना संघर्ष है, इतना संघर्ष है, बहुत ज्यादा संघर्ष। सम्राट कहो, हिटलर, ये अब्राहम लिंकन ले लो, पूरी उसकी लिस्ट है। इलेक्शन में खड़ा हुआ, गिर गया, उसकी पत्नी मर गई, उसके ये ऐसा हो गया, वो किया, फिर फेल, फिर फेल, फिर फेल, फिर फेल, ऐसी 14 की लिस्ट है लंबी। और फिर एट लास्ट 1860 में इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एट लास्ट 1860 16th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। पर उसके पहले कतार है लंबी, हर चीज में फेल, 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 ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर हारा नहीं, वो करता रहा, करता रहा, करता रहा, आखिर बन गया 16वां प्रेसिडेंट। वैसे ही प्रतिकूल और अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थिति है अर्थात आजमाइश हो रही है, टेस्ट हो रही है, परीक्षा है, ये इसमें पास होना है। इसमें अगर पास हो गए बस फिर तो, टफ पेपर जब आता है तभी तो कंपटीशन बढ़ती है,
सिंपल सिंपल पेपर आ गए, सब पास, उसमें क्या, एक पेपर ऐसा कि जो बहुत टफ हो, जिसमें कोई भी पास नहीं होता है, वही पता चलता है वर्थ, कौन कितना ब्रिलियंट है। उसके बाद में दसवां, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों में भी समान, अशुभ अर्थात अमंगलकारी, शुभ अर्थात मंगलकारी, हितकारी, हितकारी हुआ है, शुभ हो रहा है सब कुछ, ठीक है, अशुभ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है प्रयोग हम पर, तंत्र मंत्र, शिव मंत्र के आगे सब मंत्र फेल है। बाबा के महावाक्य के प्रश्न पूछा बाबा को, बाबा क्या करो, कुछ कुछ लोग और मंत्र जंत्र तंत्र करते हैं, बाबा ने कहा था उत्तर, भगवान का उत्तर है, शिव मंत्र के आगे सब कुछ फेल, इसके सामने कुछ भी नहीं चलेगा, ये सब उनके ऊपर अटैक करते हैं जो समान में स्थित नहीं है, ये सब उनके ऊपर अटैक करते हैं जिनकी श्रेष्ठ स्थिति नहीं है, ये सब उनके ऊपर अटैक करते हैं जिनका विलास शरीर में है, भोग शरीर के उनको ज्यादा आकर्षित करते हैं, उन्हीं के ऊपर ये सब होते हैं और वो स्वीकार भी कर लेते हैं। क्या तकलीफ है, वही मंत्र वाली, जन तंत्र। एक मरीज आई, मैंने कहा क्या तकलीफ है, वही मंत्र वाली, किसी ने मंत्र कर दिया है, तंत्र कर दिया है, तो कोई दवाई, दवाई काम नहीं करेगी, दवाई लिखो कुछ, बोले को हमारी दवाई काम नहीं करेगी, बोला किसी ने कर दिया है मुझ पर। हमने कहा उधर जाओ थोड़ा काउंसिलिंग, बोले काउंसिलिंग काम नहीं करता इसमें। शुभ हो अशुभ हो, जो शिव में स्थित है उनके ऊपर कौन क्या कर सकता है, जो शिव के साथ कंबाइंड है उसके ऊपर कौन क्या कर सकता है, ये सब तो जो कमजोर आत्माएं हैं, भोग विलास है। हमारे अंदर की इतनी कम शक्ति है, बाबा ने उस दिन क्या कहा, जहां स्वमान है वहां देहभान नहीं, जहां स्वमान है माया खींच नहीं सकती, जहां अनुभव में मूर्त है कुछ नहीं हो सकता, ये तो तब आता है जब ज्ञान योग से बहुत दूर है आत्मा, चिंतन से बहुत दूर है और ये सब चीजों को देखती है और स्वीकार भी कर लेती है कि इस पर किया मुझ पर भी किया है, और फिर वही बुद्धि में घूमते रहता है, मुझ पर किया है, किसी ने कुछ आया किया है, किया है, ऊपरी हवा, ब्लैक मैजिक, आकर्षण का सिद्धांत है, वही होने लगता है फिर। अरे ये शिव का तिलिस्म है, इसको कौन तोड़ सकता है। तो ऐसी 10 बातें और भी हो सकती है, वो आप सोचना आज सारे दिन भर, कौन कौन से पेयर है जिसमें समान रहना है। पहला बताया सुख और दुख, चाहे सारे दिन भर सुख तो अपना दुख तो अपना साथ ही है, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो साथ ही है, दुख से बहुत सीखने मिलता है, सुख तो है छाव ढलती है आती और जाती है, और दुख तो अपना साथ ही है। तो पहला सुख दुख समान, दूसरा मान अपमान समान, तीसरा निंदा स्तुति समान, चौथा जय पराजय समान, पांचवा हानि लाभ, बहुत नुकसान हो गया बिजनेस में तो दुखी होके बैठना है क्या, इतना नुकसान हो गया हाय रे मैं, नहीं होना चाहिए था, बाबा कुछ करो, बाबा क्या करते हैं, बाबा मैं तुम्हारा धंधा थोड़ी देखने आया हूं, इसकी खासी देखने नहीं आया तो तुम अपना धंधा क्यों करते हो, मेरा एक ही काम है पति से पावन। अगला सिक्स्थ, ठंडी गर्मी, बारिश भी जोड़ दो उसमें, ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो, पुरुषार्थ अपनी जगह पर, ये प्रकृति अपनी जगह पर, हम प्रकृति के आज नहीं, वो चलो वो दूसरे महाकाल के बारे में कहा है, वो दूसरी पॉइंट है। और आगे सहयोग असहयोग, आज सब सहयोगी है, कल हो सकता है जो सहयोग दे रहे हो कल असहयोगी बन जाए, तब तो ज्यादा दुख होगा। अगला प्रतिकूल और अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थिति में है अब इसका फायदा लो, इसको कहते हैं मिल्क द सिचुएशन, मिल्क अर्थात दूध निकालते हो ना गाय का, वैसे मिल्क द सिचुएशन, परिस्थितियों को मिल्क करो, उसे दूध निकालो। हाँ, इफ यू हैव लेमन मेक लेमनेड, इंग्लिश में कहावत है, अगर तुम्हारे पास नींबू है ना तो नींबू शरबत बनाओ, दरवाजा खोलो और सामने देखो नींबू लटक रहा है जिसमें
थोड़ी हल्दी और एक तरफ से मिर्ची और क्या, वो अगरबत्ती चुभी हुई है, क्या करेंगे, सिंदूर लगा हुआ है तो उसको आराम से जाके धो के अच्छे से उसका शरबत बनाना है और भोग भी लगा देना बाबा को, कहना बाप रे नींबू कितने महंगे हैं, कौन वो हित चिंतक है कि सुबह सुबह ऐसा नींबू लटका के गया। इफ यू हैव लेमन मेक लेमनेड, लेमनेड अर्थात नींबू शरबत बनाओ, फ्री में मिल जाएगा अच्छे से और आराम से बाबा की याद में पी जा। अगला शुभ अशुभ, ये तो 10 बातें थी, ऐसी ही बहुत सारी बातें और हो सकती है। तो क्या करना है हमको, स्थितप्रज्ञ योगी, स्थिर योगी, एकाग्र योगी, इक्विपॉइस, मन की वो स्टेबल अवस्था रखनी है। ये सब बाहर की बात है, बाहर ही है, ये हमें प्रभावित ना करे। तो ऐसा वरदान दे दे हमें मां, सुख में उछले ना हम, दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम, गलतियां अपनी खुद ही टटोले, ऐसा वरदान दे दो हमें मां। ओम शांति। बेगाने को कर ले जो अपनों मधुर बात।